तो दोस्तों आधार एनपीसीआई लिंक ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। तो आधार एनपीसीआई ऑनलाइन आप कैसे करा सकते हैं, यदि आपके इन तीन बैंकों में अकाउंट है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, तो आपको ऑनलाइन कैसे करना है हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि सरकारी पैसा पाने के लिए आधार एनपीसीआई लिंक कराना सभी को अनिवार्य है। किसान सम्मान निधि का हो गया, ई श्रम का हो गया, या कोई भी शौचालय आवास का पैसा, तो सभी को कराना होगा। यदि आप ऑनलाइन लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो भी बैंक है, आप अपने बैंक में जाइएगा और वहाँ पर बोलिएगा कि यहाँ पर हमको आधार सीडिंग कराना है, यानी आधार सीडिंग कराना है, या बोलना है आधार एनपीसीआई लिंक कराना है, या बोल देना है कि डीबीटी चालू कराना है। ये तीनों प्रक्रिया एक ही है, डीबीटी चालू कराना या आधार सीडिंग या आधार एनपीसीआई लिंक, ये प्रक्रिया है। यदि आप अपनी बैंक में जाएंगे और बोलेंगे हमें आधार सीडिंग कराना है अपनी बैंक में, क्योंकि आधार सीडिंग एक ही बैंक में होता है। यदि आपके दो तीन बैंक अकाउंट हैं तो आधार सीडिंग आपकी एक ही बैंक में होता है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी कौन सी बैंक में जो है आधार सीड है, यानी आधार एनपीसीआई लिंक है। उसके बाद में हम आगे बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन यहां पर आधार एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं घर बैठे 5 मिनट में। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होगा आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ, और जो आधार में आपके मोबाइल नंबर लिंक है वो भी चाहिए होगा, तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कौन सी बैंक में आपका आधार एनपीसीआई लिंक है। तो आधार एनपीसीआई किस बैंक में लिंक है, उसके लिए UIDAI आपको ब्राउजर पर आकर गूगल पर सर्च कर लेना है, और नीचे बढ़ेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी UIDAI.gov.in, इस पर हमें क्लिक कर देना है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से चेक कर लेंगे कि कौन सा आपका अकाउंट एनपीसीआई लिंक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चूज कर लेंगे जो भी भाषा आपको पसंद है। उसके बाद में यहाँ पर न्यू पेज खुलेगा, तो यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो नीचे बढ़ेंगे तो आधार सर्विसेज का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आधार सर्विसेज के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जब न्यू पेज खुलेगा तो नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नीचे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा, आधार लिंकिंग स्टेटस। आधार लिंकिंग स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है, चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, यहाँ पर नीचे हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एक न्यू पेज जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर डालने के बाद में और इंटर सिक्योरिटी कोड जो लिखा है यहाँ पर आपको, ये नीचे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा साफ साफ यहीं पर डाल देना है। और ये डालने के बाद में सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर जब हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो OTP डालने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा कि चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस आपका दिखाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आधार नंबर दिखाएगा और बैंक लिंकिंग स्टेटस दिखाएगा, यदि एक्टिव है, इनएक्टिव यहाँ पर लिखा है यानी बंद है, और डीएक्टिवेट भी लिखा होगा तब भी बंद है। तो यहाँ पर आपका जो नीचे दिखाएगा ये देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ पर हमारी जो बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पर ऐड है, और जो लिंक की डेट है वो डेट भी दी हुई है, और यहाँ पर इनएक्टिव दिखाएगा। यदि आपकी जो भी बैंक यहाँ पर नीचे दिखा रहा है तो उसमें आधार एनपीसीआई लिंक है, और यहाँ पर जो बैंक लिंकिंग स्टेटस है यहाँ पर दिखाएगा एक्टिव बैंक, यदि सुचारू रूप से चालू है, चल रहा है तो एक्टिव दिखाएगा। तो यही आपको चेक करने लगा है कि कौन सा बैंक यहाँ पर हमारा लगा हुआ है जिसमें आधार एनपीसीआई लिंक है। यदि आप यहाँ पर चेंज कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं ऑनलाइन, आप तीन बैंकों में भी मैं बता रहा हूँ, यदि आपका स्टेट बैंक या कोई और भी बैंक में है तो आप ब्रांच में जाकर आधार सीड जो यहाँ पर करा सकते हैं, बोलना है कि आधार सीड कराना है, या बोलना है कि आधार में एनपीसीआई लिंक कराना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे पहले बताते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार एनपीसीआई ऑनलाइन लिंक करने के लिए सर्च कर लेना है आपको ब्राउजर पर, और यहाँ पर एनपीसीआई लिंक BOB टाइप करेंगे तो नीचे आ जाएगी वेबसाइट बैंक ऑफ बड़ौदा की, सर्विसेज बैंक ऑफ बड़ौदा आधार लिंक, यहाँ पर ऑनलाइन आप करेंगे तो ओके कर देंगे। और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है और आगे मोबाइल नंबर जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में रजिस्टर्ड है वो डालेंगे, और जनरेट OTP पे हम क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपके जो है आधार नंबर आपको फिल करना होगा, और आधार नंबर फिल करने के बाद में
आप जब सबमिट करेंगे, सेंड करेंगे, तो एक ओटीपी आपके आधार पर भी आएगा, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, तो वो आधार में मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वो भी डालेंगे। उसके बाद में सबमिट करेंगे या सेंड जो भी ऑप्शन आएगा आप कर देंगे, तो आपका आधार लिंक जो है वहाँ पर सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको एक हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आप चेक कर लेंगे आप एक हफ्ते के बाद उसी गवर्नमेंट की यानी कि आधार वाली वेबसाइट पर जाकर। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पंजाब नेशनल बैंक में आधार एनपीसीआई लिंक कैसे करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में एनपीसीआई लिंक पीएनबी आप सर्च कर लेंगे ब्राउज़र पर, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जब यदि मोबाइल में कर रहे हैं तो यहाँ पर मेनू का ऑप्शन आएगा, यदि आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर ई सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे, उसके बाद में ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग लिखा होगा, इसको आधार सीडिंग ही बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग पे हमें क्लिक कर देंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग, यहाँ पर इस पर हमें फिर से क्लिक कर देना है, तो न्यू पेज यहाँ पर फिर से खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको हम जूम कर लेते हैं। इस पर आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, अकाउंट नंबर आपका जो पंजाब नेशनल बैंक का है वो डालेंगे और कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तीन स्टेप हैं यहाँ पर, थ्री स्टेपों में पूरा करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर और यहाँ पर कंटिन्यू वाला जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पंजाब नेशनल बैंक में उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको ऑप्शन आगे खुल जाएगा वहाँ पर डाल देंगे, और नीचे कैप्चा वाला भी ऑप्शन आएगा, कैप्चा दिया हुआ होगा वो कैप्चा डालेंगे, और उसके बाद में आपको वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में थ्री स्टेप जो है वहाँ पर आपको क्या करना है, आधार नंबर आपको टाइप करना है, आधार नंबर आपको डाल देना है और कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है, कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा आधार नंबर डालने के बाद में। उसके बाद में आपके आधार नंबर से जो लिंक है मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा, वो भी ओटीपी आपको डाल देना है और वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और एक हफ्ते के अंदर आपका आधार एनपीसीआई लिंक पंजाब नेशनल बैंक में हो जाएगा। उसके बाद में आप यूआईडीएआई की गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पर जाकर एक हफ्ते बाद चेक कर सकते हैं आपका इसी बैंक में हुआ होगा। तो चलिए अब हम वापस आ गए हैं ब्राउज़र पर, यहाँ पर इंडियन बैंक में ऑनलाइन कैसे करेंगे वो भी हम बताते हैं। तो इंडियन बैंक एनपीसीआई लिंक इंडियन बैंक आपको टाइप कर देना है, तो इंडियन बैंक यहाँ पर आधार सीडिंग लिखा हुआ दिखेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आधार सीडिंग यहाँ पर लिखा है इंडियन बैंक में, या नीचे बढ़ेंगे वेरीफाई अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है, और नीचे यहाँ पर जो नीचे इमेज दिख रहा है वो यहाँ पर साफ साफ इस बॉक्स में डाल देना है। यदि इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो रिप्लेस इमेज पर हम क्लिक कर देंगे, दूसरा इमेज आ जाएगा, वो वाला इमेज हम डाल देंगे। पहले आधार जो है अकाउंट नंबर डालेंगे ऊपर, और उसके बाद में नीचे डालेंगे आपको ये कैप्चा जो इमेज, उसके बाद में आई एग्री कंसेंट फॉर्म जो दिख रहा है इस पर हम टिक कर देंगे, और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आगे के जो ऑप्शन आएंगे, आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, उस पर ओटीपी आएगा, वो भी प्रक्रिया आपको पूरी कर लेनी है जैसे पहले बैंकों में किया था। उसके बाद में जो है ओटीपी डालने के बाद में सक्सेसफुल हो जाएगा, और एक हफ्ते के बाद आपका जो है आधार एनपीसीआई लिंक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो UIDAI की गवर्नमेंट वाली वेबसाइट है ये वाली, यहाँ पर आप फिर से आकर जब चेक करेंगे तो आधार एनपीसीआई लिंक यहाँ पर आपका एक्टिव बैंक दिखाएगा स्टेटस, और नीचे आपकी बैंक जो दिखाएगी तो यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपकी इन बैंकों के अलावा और भी बैंकों में है तो आप जो है अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया सभी बैंकों में नहीं है, तो आप अपनी बैंक में जाकर आधार सीडिंग करा सकते हैं, आधार सीडिंग बोलते हैं इसको, या आधार एनपीसीआई लिंक कराना इसको कहते हैं। तो आप ब्रांच में जाएंगे, बोलेंगे तो आपका आधार एनपीसीआई लिंक कर दिया जाएगा। तो आधार एनपीसीआई लिंक जरूर कराएं, जिससे कि सरकारी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता रहे। तो दोस्तों इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।